हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के कण में छिपा के रखा है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है मेरे प्रियजनों, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा है, वही आदि और अंत है मेरे प्रियजनों, ठीक है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि हम सभी दोषी न ठहराए जाए, ताकि हम सभी के पाप क्षमा हो सके, बीमारियां से आजाद हो सके। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपनी जान दे के मेरे प्रियजनों उसने हमें अनंत जीवन दिया है। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए परमेश्वर, वह जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, उसका जिंदा लहू है मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, शैतान के बंधन में, हर कराधरा के बंधन है, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, आपके जीवन से, आपके लाइफ से, आपके अंदर से हमेशा के लिए बंधन टूट जाएंगे, हर एक शैतान के उसके बंधन जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करना मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जितनी तेजी से वह आती होती तेजी से वह चली जाती है, और संदेह करना मनुष्य वह संदेह ही करता रहता है, वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा है अरे तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियजनों, यदि बीमार हैं, लाचार हैं, कमाने में नहीं हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणा निधान परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है मैं तेरी मांगने से पहले जानता हूँ, तेरी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह सभी के मांगने से पहले जानता है परमेश्वर। वो न्याय परमेश्वर है, दयावंत है और दयालु है, और न्याय भी परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है, यीशु मसीह के नाम से अपने जीवनों में आदेश देना, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार के द्वारा अपने बंधनों को तोड़ना है, हर एक शराब के बंधनों को तोड़ना है, हर एक जादू टोना के बंधन को तोड़ना है, हर एक कराधरा के बंधन को तोड़ना है, उन्हें आउट करना है, विफल करना है, खंडित करना है। यदि आप शैतान को डांटो के वह जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, शैतान हमारे परिवर्तन कुचला हुआ है, परमेश्वर ने हम सभी को अधिकार दे दिया है, हमारे वश में कर दिया है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है, और वो इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र, 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है पिता, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक स्वच्छ जीवन दिया है पिता। आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है पिता। आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो मसीह भाई पिता बीमार है पिता, बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम
पास दवाई करा चुके पिता, वे टूट चुके हैं बीमारियों से पिता, वे तमाम इलाज करा चुके, तमाम पैसा लगा चुके हॉस्पिटल में पिता, जो बेड पे पड़े, जो खाट पे पड़े हैं यीशु मसीह, आपके नाम से मेरे पिता इनके जीवनों में यीशु मसीह हम आदेश देते हैं मेरे पिता, ये मसीह भाई चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो मसीह भवन गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने वाले नहीं हैं मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता, 1000 रुपए पर पिता, ये अन्य जातियों से पिता उधार ले रहे हैं मेरे पिता, ये उधर उधर उधार ना लेने पाए प्रभु, ये अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ना करने पाए मेरे पिता, मेरे प्रभु ये सबको छोड़ छाड़ के पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए सुरजा, आप महान है पर मेरे प्रभु, आप दयालु हैं मेरे राजा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से खटखटाते हैं। इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवनों में यीशु मसीह पिता, ये पिता आजाद होने पाए पिता, ये पिता इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को आप दूर करें पिता, ये बहुत सारी जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कुड़िये पाजों को शुद्ध किया पिता, आप यहोवा जुलावर है मेरे पिता, आपने महान आश्चर्य काम किए मेरे पिता, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता है मेरे प्रभु पिता, आप सर्वशक्तिमान पिता, जिस प्रकार से मेरे पिता आपने याइर के बेटी को चंगा किया था, वह मर चुकी थी पिता, आपने कहा है लड़की मरी नहीं, वह सो रही है, वह जीवित है मेरे पिता, सिर्फ आपने आदेश दिया था पिता, बेटी उठ यीशु मसीह, उसी तरह से पिता आपके नाम से इनके जीवनों में आदेश देते यीशु मसीह के नाम से, इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो गंभीर परिस्थितियां हैं यीशु मसीह, बीमारी की हालत है पिता, बीमारी में जकड़े हैं पिता, यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता, ये मसीह बहन चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है यीशु पापा, जो हम सभी से मेरे पिता, हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, आप माफ करे प्रभु, आप क्षमा करे पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती है मेरे पिता, आपने मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीदा, अपना लहू बाकी कीमती रक्त बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती साथ, दुख साथ, दर्द साथ मेरे पिता, आपके हाथों पैर में कीले ठोकी गई, आपके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, आपके मुंह पर थूका गया, आपको सिरका पिलाया गया, सैनिकों ने पिता आपकी बहुत बेइज्जती किया पिता, हमारे कारण पिता, हमारे पाप के कारण मेरे पिता, जो सजा हमें मिलने वाली थी पिता, वो आपने अपने ऊपर ले लिए और कलवरी क्रूस पे चढ़ गए पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर है मेरे पिता, हम आपकी सेवा करते हैं मेरे पिता, आप जिंदा परमेश्वर है पिता, इसके लिए पिता आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता परमेश्वर पिता, क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें, प्रॉब्लम्स इनके शरीरों में यीशु मसीह, हम नहीं जानते पिता क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपके नाम से पिता इनके जीवनों में आदेश देते पिता, इन्हें बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता आपने हमें सामर्थ्य दिया पिता, आपने जीभ में सामर्थ्य दिया पिता, मुंह में सामर्थ्य दिया पिता, आपने कहा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा यीशु मसीह, आपने कहा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भाई बहन रात में नहीं सो पाते हैं मेरे प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, ख्याल विचार आता है प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब मेरे सुख की नींद आने पाए पिता, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भयभीत ना होगा, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा इनके जीवन में आदेश देते यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है प्रभु अपने प्राणों को सुना है, ये छोटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।